बीजेपी का कहना है कि यूपी में राहुल गांधी डरे हुए हैं और पूरी तरह फेल हो गए हैं, इसलिए अब प्रियंका वाड्रा का सहारा कांग्रेस ले रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार से एक और सदस्य की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने यह भी कहा कि महागठबंधन से नकारे जाने के बाद कांग्रेस अब प्रियंका के सहारे है। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है, कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है, ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं ना कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो, चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में, हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, आज नया भारत, न्यू इंडिया, ये सवाल पूछ रहा है कि न्यू इंडिया में नेहरू जी, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा जी, और आगे कौन? केवल एक ही परिवार से। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता शादाब अहमद से। शादाब, एक 360 डिग्री एनालिसिस के हिसाब से हमें बताएं, इस पूरी खबर को कैसे देखा जा रहा है और देश की राजनीति पर इस खबर का कैसा असर पड़ेगा? देखिए प्रियंका, बहुत साफ है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री पॉलिटिक्स में की गई है, ये बहुत पुरानी डिमांड थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। तकरीबन पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की डिमांड कर रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में लाया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने हमेशा राहुल गांधी को चूज किया, राहुल गांधी को राजनीति में आगे बढ़ाया, राहुल गांधी अध्यक्ष बने और प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से काम करती रहीं। खासतौर पे अमेठी में, रायबरेली में वो एक्टिव रहीं और वहाँ पे वो जाती रहीं, वहाँ विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाई। उन्होंने कैंपेन किया अमेठी रायबरेली में, लेकिन पार्टी नहीं जीत पाई वहाँ विधानसभा चुनाव और वो अमेठी रायबरेली की ज़्यादातर सीटें वो हार गई। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी पुरानी डिमांड रही थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया जाए, लेकिन अब तक एक लंबा अरसा बीत गया, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है उसमें वो डिले हुई है। जो प्रियंका गांधी का एक करिश्मा था, जो एक तेज था, वो अब कम हो गया है। जो लोगों का एक आकर्षण था प्रियंका गांधी को लेकर, वो शायद अब बहुत घटा है। लेकिन अभी भी जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में कांग्रेस ने बांटा है, वेस्टर्न यूपी ज्योतिरादित्य सिंधिया देखेंगे, ईस्टर्न यूपी प्रियंका गांधी देखेंगी। प्रियंका गांधी को 40 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी चर्चाएं हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि वो जो उनकी माँ की जो संसदीय से सीट है रायबरेली, वहाँ से लड़ेंगी या किसी और सीट से लड़ेंगी, ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये ऐसा बज है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वो अपना चार्ज लेंगी। माना जा रहा है कि दिल्ली में, लखनऊ में एक बड़ा शो होगा जहाँ प्रियंका गांधी पहुँचेंगी, वहाँ पार्टी दफ्तर से वो अपना चार्ज लेंगी, फिर वो ईस्टर्न यूपी के दौरे करेंगी। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है, लेकिन उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो एक छोटी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश का भी सिर्फ आधा हिस्सा, यानी सिर्फ 40 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो शायद बेहतर होता। प्रियंका जी, बिल्कुल शादाब, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।